आइए साथियों देखते हैं मैथ का दशमलव वाला मतलब कि भिन्न वाला सवाल जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 4/5 और 2/3 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर में क्या होता है, माइनस ज्ञात कीजिए। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है क्या है, 4/5 और माइनस मतलब कि अंतर कर रहा है ना इनके बीच, तो 2/3 अंतर ज्ञात करना है। क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। कितना एलसीएम आएगा, 15। इससे भाग देंगे आएगा 15 × 3 = 45, 3 बार, और 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 12 माइनस ये भाग देंगे कितना आएगा 5, 5 × 10। या तो ऐसे लगा सकते हैं या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15, इसका गुणा इधर 4 × 3 = 12, इसका गुणा इधर 5 × 10, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 12 में से 10 जो कितना हो जाएगा आपका 2/2 कितना आपका 15, ये आपका राइट आंसर होगा। आया बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका हो सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2/3 में क्या घटाएं कि 1/6 हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कहता है 2/3 में क्या घटाएं कि 1/6 हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्या करेंगे, कहता है 2/3 में क्या घटाएं, तो 2/3 में क्या घटाएं तो माने x घटाएं, कितना हो जाए 1/6 हो जाए, यही है। अब हमको x का मान निकालना, निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे कैसे, इसको ले आएंगे इधर, ठीक है, उधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/6 माइनस 2/3। अब इसको हल कर दीजिए क्या हो जाएगा, 36 18, 3 × 3 माइनस 6 × 12, 12 में से 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो माइनस 9/18 और इधर लिखा माइनस एक्स, प्लस कट हो गया, कट गया आपका 1/2, इक्वल टू एक्स का मान 1/2 आ गया। तो कुछ भी पूछेगा आप हम लगा सकते हैं, तो इसका मतलब 1/2 घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी का एक भाग है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। क्या है, दशमलवों का जोड़ जोड़ने के लिए कह रहा है आपको। कैसे जोड़ेंगे यार, कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10.77। अब जहाँ पर दशमलव लगाया है वहीं पर लगाएंगे, ठीक है। इसके पीछे संख्या कितनी लिखी है, 5, 9, आगे कितनी लिखी है, 6, बस इसके भी दशमलव यहीं ले लेंगे। क्या लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, इधर क्या लिखा है, 2 लिखा है खाली। अब इसको हम जोड़ देंगे, जो जोड़ेंगे आपका राइट आंसर आएगा, वही आपका आंसर हो गया। देखिए जोड़िए इसको, कितना होगा, 7, 9, 16, और 16 × 6 कितना होता है आपका 22, 22 को 2 हाथ लगा दो, ये हो जाएगा 7 × 7 = 14, 14 × 2 = 16 हाथ लगा 1, 6 × 2 = 8 हाथ लगा 1, 9, 9 = 1, तो 19.62 आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, जोड़ने का तरीका कुछ नहीं है, जहां दशमलव सीधाई में रखेंगे और वहां पर दशमलव आप लगा देंगे। इसके बाद आपका गुणा दिया हुआ है, गुणा करने का तरीका जानते ही होंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, गुणा करना है खाली, 15 × 52 = 112 से गुणा कर दीजिए, ठीक, गुणा करिए, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 3, और फिर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कैसे लगाते हैं, एक अंक पर इधर लिखा है, एक अंक पर इधर लिखा हुआ है, तो इसको जब गुणा करते हैं तो जितनी संख्या पर लगा होता है उतना हो जाता है, मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव को हम लगा देंगे, इसका मतलब 18.24 आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आया, तो ये जोड़ हो गया, ये गुणा हो गया, ठीक है, ये इनका इसके अंतर हो गया, सिंपल है क्वेश्चन। अब ये भाग देख लीजिए क्या कहता है, भाग देने के लिए 11/8 में भाग दीजिए 33/56 से, कुछ नहीं करना है भाई। अब इस भाग को गुणा में बदल दीजिए, कैसे करेंगे, 11/8 गुणे
ये जब जब भाग जब गुणा में बदलता है तो संख्या पलट जाता है, तो क्या आ जाएगा 56 ऊपर हो जाएगा, 33 नीचे हो जाएगा। अब देखिए कट रहा क्या, 6 5 11 हो रहा है, नहीं इससे नहीं कट रहा, इससे कटा दीजिए, 11 एक कम 11, 11 नहीं आए 33, 8 एक कम 8, 8 सत्ते 56, 7 एक कम 7 और 3 एक कम 3। अब देखिए अब क्या है, ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया, अगर ऑप्शन ऐसा दिया है तो सही है, नहीं दिया है नहीं दे रहा है ऐसा, तो आपको क्या करना होगा, 7 में भाग देंगे हम, 7 में भाग देना है 3 से, 3 से भाग देंगे 3 दुना के 6, घटाएँ कितना आ गया 1, तो दो बार भाग गया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 सही, कितना शेष बचा है ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 सही 1/3 आपका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, लगा लेंगे, सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपके एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा हुआ था, तो सबसे पहले इसको कुछ करना नहीं है, जैसे लिखा है वैसे लिखते चले जाइएगा। क्या लिखा हुआ है, 256, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, दशमलव नहीं मानेंगे। ऊपर क्या लिखा है, 25.6, इसका मतलब इसमें दशमलव नहीं है, तो इसके लास्ट में हम दशमलव अपने से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका दशमलव यहाँ पर इसी के सीधाई में हम लगा देते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है, और क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक, इसी प्रकार इसी करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर दशमलव यहीं लगा देते हैं। देखें इसके पीछे आगे क्या लिखा हुआ है, 0, पीछे क्या लिखा हुआ है, 2 5 6, इसको ऐसे देखिए दशमलव लगा दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 0 2 5 6, यहाँ कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, क्या है ये 6 6 5 11 को 1 हाथ लगाइए, 6 5 11 12 13 1 14 को 4 हाथ लगाए 1, 6 5 11 12 13 1 14 को 4, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, 6 5 11 12 13 14 को 4, ये क्या है, 6 5 2 7, 1 8 अरे 2, और जहाँ पर दशमलव आया है वहीं पर दशमलव आपका लग जाएगा, क्या आया, 284.4416 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बात समझ में आई। कुछ नहीं करना है, पहले दशमलव को सिधाई में लिखते चले जाइए, उधर की संख्या उधर लिखिए, इधर संख्या इधर लिखिए, वैसे जोड़ दीजिएगा, जल्दी जल्दी करेंगे हो जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, बराबर आएगी, ठीक है, मतलब ऊपर बराबर है कि नीचे बराबर है, तभी वो जान दीजिए कि संख्या कटेगी। जैसे मान लीजिए इसको हम कटाते हैं 3 से, तो 13 3 39, इसको 3 से कटाएंगे, 3 3 9 27, मतलब 13/19 आ गया, मतलब 3 से कटा 3 से भी कटा, बात समझ में आ रही है, मतलब 3 से ये भी कटा 3 से भी कटा, तब हमारा आया 13/19, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी कटाएंगे तो कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप 13/19 कटाइए और देखिए संख्या बराबर आ रही है कि नहीं, नीचे वाली ऊपर वाली, तो कटाइए, इसको कटाइएगा 13 से, तो 13 7 क्या हो जाएगा आपका 91, ठीक है, तो 19 से भी 7 कट, ऐसा पढ़ा पड़ेगा कि 7 से भी कट जाए, तो 19 से कटाएंगे तो कितना कटेगा, 7 बार में कट रहा क्या, 7 तो 19 में 19 7 133, 19 7 133, इसका मतलब दोनों संख्या बराबर आ गया, इसका मतलब 7 से कटा है तो क्या आया, 13/19 आया, इसका मतलब ये भी संख्या कट रहा है। इसको कराइए 13 से, 13 से इसको हम कटाते हैं, तो 13 1 13 कितना बचा, 6 बचा, 13 5 65, मतलब 15 बार में कटा हुआ 13 से, इसका मतलब 15 से भी कटेगा तो 19 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको 19 से कटाइए तो 19 से कम 19, बचा कितना 5, हो गया 57, तो 19 के 19 नहीं 19 57, मतलब कि क्या आया है, 13 है ये, 15 है ये, दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, मतलब ये दोनों आपस में कट सकती है, नहीं कट सकती है, इसका मतलब ये कोई भी संख्या कटाएंगे तो आपका 13/19 नहीं होगा, इसका मतलब क्या राइट आंसर क्या होगा आपका, ये जो संख्या है ये संख्या 13/19 कटने पर नहीं आएगा, उससे कट जा रहा है लेकिन इतना कट के नहीं आएगा, इसको कटा के देख सकते हैं, देख सकते हैं साथ ही में, तो 13 1 13 बचा कितना 7, और 13 13 6 78, 16 कट गया, इसको कटाएं 19 से, तो 19 1 19 कितना बचा 11, तो 19 6 114, मतलब बराबर हो गया,
मतलब 16 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 19, मतलब ये संख्या आपस में कट के इतना आ जाएगी लेकिन ये वाली संख्या नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आया। थोड़ा सा कठिन है, कटाने में थोड़ा सा समय लगता है, आप समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो। साथियों, लिखा है 0.35 को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, तो लिखा हुआ है 0.35, मतलब एक स्थान दो स्थान पर दशमलव लगा हुआ है, तो दो जीरो वाले से हम दो जीरो वाले से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, भाग करेंगे। बात समझ में आई। तो जब हम दो स्थान वाले से इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35, क्योंकि दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 35, से नीचे क्या हो जाएगा 100, यही है आपका 5 से कटाओ 5 से 35, 5 दुना के 10, 7/20 आपका राइट आंसर होगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया। इसके लिखा हुआ है इसमें मिश्रित भिन्न कौन सी है। मिश्रित माने क्या होता है, मिश्रण मतलब कि ऊपर वाला हर अंश जो होता है बड़ा रहता है वो मिश्रित भिन्न होता है, तो आप देखने में लग रहा है कि अंश बड़ा है इसलिए 5 × 10 3 13/5 लिखा हुआ है, तो ये आपका मिश्रित भिन्न है। ऐसे ऑप्शन में दिया तो देखते ही मार देंगे मिश्रित भिन्न है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको ये हटा के चीज़ों को क्या करेगा, ऐसे लिख देगा 13/5। बताइए इसमें मिश्रित भिन्न कौन सी है। तो देखिए अंश सबका देखिए छोटा है छोटा है छोटा है, लेकिन इसका तो बड़ा है, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 × 10 हो जा रहा है, क्या बच रहा है 3 बच रहा है, ऊपर लिख दिए 5 इधर, तो क्या है मिश्रित भिन्न है एक तरह से। बात समझ में आई, तो कह सकते हैं मिश्रित भिन्न है। अगला क्वेश्चन ये वाला है, जोड़ना है कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है इसका मतलब होता है ऊपर वाला का बार, इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। वह क्या है 0.181818 ये लिखा हुआ है, तो तीन स्थान तक लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है 0.232323, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 37, तो 0.37 37 37। यदि किसी संख्या पर लिखा होता जैसे 2. चाहे कुछ भी 0.34 और खाली इस पर बार लिखा रहता है तो इसको क्या लिखते 0.2444, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखाएगा, जिस पर बार लिखा है वही बार बार संख्या आ रही है, इसका मतलब यही होता है। अब इसको जोड़ दीजिए भाई, जोड़ लेंगे, सिंपल है, जोड़ेंगे राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है।